हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जहाँ से आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही फ्रेंड्स आपका चैनल मोनेटाइज होगा, पर यूट्यूब पे आपको पैसे कमाने हैं तो आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है। पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी वॉच टाइम कम्प्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन अकाउंट बनाएंगे आपको उसी दिन से अर्निंग शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, चलिए अभी हम जान लेते हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और उसका हम यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है कोरा, जैसा कि आपको मालूम होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ कि फ्रेंड्स ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है। यहाँ भर भर के ट्रैफिक आती है क्योंकि लोग अपने ब्लॉग के लिए, यहाँ अपने वेबसाइट के लिए यहाँ से ही ट्रैफिक ले जाते हैं और बहुत लोग अपने प्रॉब्लम को भी यहाँ से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। लोग क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ से उनके आंसर के थ्रू उनके प्रॉब्लम को सॉल्व होता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि उसमें अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे और अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोरा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। यदि आप ब्राउज़र से करना चाहते हैं तो आप कोरा.com करेंगे तो सबसे पहली वाली लिंक होगी। मैं आपकी सुविधा के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ तो ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। वहाँ पे आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से साइनअप कर सकते हैं या आप साइनअप कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट साइनअप करूँगी क्योंकि इसमें पासवर्ड रिकवरी करने में बहुत ही आसानी होती है। आपको जो सुविधा लगे आप उसके थ्रू कर लें। ओके, तो मैं साइनअप पे क्लिक की। साइनअप पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको आपका वो नाम डालना है जिस नाम से आप कोरा पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा चैनल है प्रतिभा टेक, तो मैं यहाँ प्रतिभा टेक के नाम से ही कोरा पे अकाउंट बनाऊँगी। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना पड़ेगा। तो फिर से हम ईमेल आईडी डाल लेंगे। डालने के बाद फिर से यहाँ आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को मैं फटाफट डाल लेती हूँ। ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में आपको 8 डिजिट का करना है, कैपिटल डालना है, स्मॉल डालना है, नंबर और कोई स्पेसिफिक करेक्टर। ओके, सो फ्रेंड्स अभी मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको 8 करेक्टर करना पड़ेगा, 8 करेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आई मैं नोट और रोबोट पे क्लिक करूँगी। इसमें जो भी बसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उसको सेलेक्ट करूँगी। बसेस सेलेक्ट करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर दूँगी। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया, फिनिश पर क्लिक कर दूँगी। फिनिश पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अभी कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मुझे 5 टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो आप भी 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लें। मैं अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करूंगी। आप अपने कैटेगरी और अपने इंटरेस्ट बेस पर यहां से टॉपिक को सेलेक्ट कर लें। तो मैं फटाफट कर लेती हूं। करने के बाद डन पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स अभी मेरा कोरा अकाउंट क्रिएट हो गया। होम की साइड में मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करके मोनेटाइजेशन पर क्लिक करूँगी। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए मोनेटाइजेशन पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ क्रिएट स्पेस, मोनेटाइजेशन के लिए हमें स्पेस को क्रिएट करना होता है। तो मैं एक अपना स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ प्रतिभा टेक नाम से ही। ओके, तो इसके बाद मैं वहाँ जो ब्लू कलर की लाइन क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दूँगी। इस पर क्लिक करने के ऐसा पेज ओपन हुआ है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, तो मुझे नई चीज़ स्किप कर देती हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ देखिए मेरा एक स्पेस क्रिएट हो गया है। अब इसको कॉपी करके आप किसी को लिंक को सेंड कर सकते हैं, किसी को अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं आपको फॉलो करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अपना एक स्पेस भी क्रिएट कर लिया है, मोनेटाइज कर दिया है। अब यहाँ से मैं किसी को आंसर कर सकती हूँ, क्वेश्चन कर सकती हूँ और पोस्ट क्रिएट कर सकती हूँ। यदि आपके पोस्ट पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पर ट्रैफिक आती है, लोग आपको रिएक्ट करते हैं, तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी कि आपकी अर्निंग कहाँ से होगी और होगी और आप कैसे अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली।